निशंक जी के नाम का आपके साथ जुड़ा होना आपके लिए कितना लाभदायक रहा। मेरा ये जो राज्य है उसने हमेशा मुझे इतना सम्मान और इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। भारतीय राजनीति है अभी भी महिला वुमेन ओरिएंटेड नहीं है, महिलाओं के लिए बहुत आसान नहीं है। हर चीज का ठीकरा जो है वो राजनीतिज्ञों पर, राजनीतिक पार्टियों पर, सरकार पर थोप दिया करते हैं। अगर मैं वैदिक सभ्यता की तरफ जाऊँ तो कहा जाता था यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप कोई भी योजना उठा के देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, मैं उससे पर्सनली जुड़ी रही और मैंने देश विदेश में इसके लिए बहुत सारा काम भी किया। सफलताओं का अगर श्रेय देना हो चंद शब्दों में तो किसे देना चाहेंगे? मैं काफी धन्यवाद अपने परिवार को और पति को इसका श्रेय जरूर देना चाहूँगा। नमस्कार, आज खास मुलाकात में हमारे साथ उत्तराखंड की एक बेहद खास शख्सियत आरुषि पोखरियाल है, जो फिल्म निर्माण, शिक्षा और समाज सेवा में बराबर का हस्तक्षेप रखती है। उत्तराखंड की युवाओं के रोल मॉडल के तौर पे आपकी पूरे प्रदेश में पहचान है। आज हमारे साथ हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में उपस्थित हैं और आरुषि जी से पूछते हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी खास व्यक्तित्व कैसे बन गई और किस तरह से तमाम जो क्षेत्र हैं, वो चाहे फिल्म निर्माण हो, शिक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो और समाज सेवा हो, सब में बराबर का रोल प्ले करती है, बहुत सफलता से करती है। राजनीतिक बैकग्राउंड होने के बावजूद सारे जो क्षेत्र हैं उसमें बराबर किस तरह से आरुषि जी न्याय कर पाती हैं अपनी भूमिका के साथ। आरुषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात में। थैंक यू सो मच, नमस्कार। आरुषि जी, जैसा कि जो मुझे जानकारी है, आप फिल्म निर्माण में भी सक्रिय हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और समाज सेवा के काम में भी बहुत आप अग्रणी चेहरों में, हमारे राज्य के अग्रणी चेहरों में शुमार हैं, तो इन सारी चीजों में किस तरह से आप बैलेंस बना लेती हैं और सब चीजों के साथ कैसे अच्छा न्याय कर लेती हैं? पहले तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया और मेरा ये जो राज्य है उसने हमेशा मुझे इतना सम्मान और इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। मुश्किल जरूर होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजों के साथ न्याय करना, उतना समय देना और जो है वो सभी चीजों को लेकर आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, पर मुझे लगता है कि अगर मैं ये बात कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक नारी ही वो हो सकती है, एक स्त्री ही हो सकती है जो इतने पक्षों को साथ में लेकर आगे बढ़े और आगे चलने की कोशिश करे। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लेकर आगे बढ़ सके, समाज के विभिन्न विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनमें सम्मिलित होते हुए कहीं ना कहीं एक समाज को अपना कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देते हुए आगे बढ़े तो अच्छा लगता है। आरुषि जी, एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से आप फिल्म निर्माण में, शिक्षा में, समाज सेवा में आप काम करती हैं, तो एक तो आपके नाम के साथ जुड़ा है आरुषि पोखरियाल निशंक। निशंक जी जो इस देश के बहुत प्रमुख राजनीतिज्ञों में शुमार किए जाते हैं और इस समय केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनका नाम भी जुड़ा है और उस परिवार से आप ताल्लुक रखती हैं, तो निश्चित रूप से उसके कुछ अपने सकारात्मक चीज़ें होती हैं और कुछ नकारात्मक भी होती हैं, क्योंकि एक राजनीतिक परिवार में शामिल होने का बहुत बड़ा दबाव भी होता है जीवन के सभी पहलुओं और सभी पक्षों में। तो कितना निशंक जी के नाम का आपके साथ जुड़ा होना आपके लिए कितना लाभदायक रहा और कहाँ कहाँ वो एक दबाव के तौर पर सामने आया? जब मैं बहुत छोटी सी थी और मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी तो मुझे आज भी याद है कि पिताजी को देखकर सबसे पहले मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी और मुझे लगता है कि आज मैं जो भी हूं उसका एक बहुत बड़ा श्रेय मैं अपने परिवार को दूंगी, क्योंकि ये वो परिवार है जिसने हमको संस्कारों को दिया, जो वैल्यूज को दिया और हमें ये बताया कि वो VIP है, हम VIP नहीं है, तो हमको वो VIP करने बनने के लिए और वो ट्रीटमेंट जो हमारे पिताजी को मिलता है, क्योंकि वो CM रहे हैं, वो MP रहे हैं, अभी जो है वो सेंटर में कैबिनेट मंत्री हैं, और वो सम्मान, तवज्जो, वो VIP ट्रीटमेंट पाने के लिए वो हमें धरोहर में नहीं मिला है, वो हमको खुद की मेहनत करके खुद की पर्सनैलिटी बनाते हुए और खुद अचीव करना है। तो ऐसे संस्कारों को मेरे माता और पिता ने हमको दिया। और दूसरी बात, हम सभी ने सुनी है कि बरगद के पेड़ के नीचे जो है वो छोटे पौधे नहीं हो सकते हैं, और अपने चैलेंजेस हैं उन छोटे पौधों के बड़ा होने का भी, और सर्टेनली पिताजी का नाम जो है वो बहुत जगह हमको आगे लेकर भी गया है। लेकिन हर आदमी के मैं बोलना चाहूंगी कि अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने बैटल फील्ड होते हैं, एंड ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर ऑन अदर साइड।
तो मैं यही बोलूंगी कि बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि कई बार बहुत अपॉर्चुनिटीज हो सकता है आपको आपके नाम की वजह से जरूर मिले, और ऐसा स्टार किड्स के साथ भी होता है, पॉलिटिशियंस के जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी होता है। बट सर, जरूरी नहीं है कि हर बार जो आपको अपॉर्चुनिटी आपके नाम की वजह से मिले, आप उस पे जो है वो अपने आप को सक्षम होकर जो है प्रूव कर पाए। तो जो हमारे साथ में चैलेंजेस है अपने आपको हर बार प्रूव करने के, एक बार नहीं, हमको हर बार प्रूव करना है कि मात्र डॉक्टर निशंक जी की बेटी होने के नाते मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मैं इनको डिजर्व करती हूं। तो हर बार मैं उसी प्रेशर के साथ में परफॉर्मेंस देने जाती हूं, उसी प्रेशर के साथ अपनी स्पीच देने जाती हूं कि आज फिर वो दिन है कि मुझे प्रूव करना है कि मेरी अपनी कोई। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि आप जब कोई बैकग्राउंड होता है या किसी का नाम जुड़ा होता है तो उस नाम के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, उस बड़े नाम का जो एक वजन है उसको बनाए रखने के लिए। आरुषि जी, आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार हैं, और बीजेपी कहती है कि भारतीय राजनीति में हम परिवारवाद के बेहद खिलाफ हैं, और जब आप निशंक जी की बेटी के तौर पे समाज में जाती हैं तो क्या कभी कोई ऐसा अनुभव हो कि उसकी वजह से कोई दबाव आपको महसूस हुआ हो और आपको ये लगा हो कि काश मैं किसी बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक न रखती तो शायद मेरा जो लक्ष्य है और आसान होता उसे प्राप्त करना? पहली बात तो मैं उसी पे बात करूंगी, बीजेपी, बीजेपी परिवार। मेरे पिताजी बीजेपी के नेता हैं, इस नाते भी जुड़ाव है, और उससे ज्यादा जुड़ाव मेरा बीजेपी पार्टी से इसीलिए है क्योंकि मैं उनकी विचारधारा में मानती हूँ। बहुत अच्छी बात वो बोलते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, और मैं भरपूर तरीके से इस बात के लिए खड़ी होती हूँ कि कोई व्यक्ति को सिर्फ इसलिए राजनीतिक पद दे दिया जाए क्योंकि वो किसी परिवार से है, वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से है, ये करना बिल्कुल गलत है और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर राजनीति में खड़ा होना है तो अपने व्यक्तित्व पर खड़ा होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि मैं राजनीति में क्यों आ रहा हूं। आज के समय में लोग ये उद्देश्य भूल चुके हैं कि राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। जो लोग उनको इतनी जिम्मेदारी देकर बनाते हैं, ये लोकतंत्र है, लोगों का लोगों के लिए किया गया शासन है, तो ऐसे में कोई भी परिवारवाद की बात को आगे बढ़ाना मुझे भी सही नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर उस व्यक्ति में अपना दम है, उस व्यक्ति में अपना व्यक्तित्व है और वो सच में समाज के लिए कोई काम करना चाहता है तो उसको बिल्कुल आगे आना चाहिए। मुझे कभी कोई ऐसा चैलेंज महसूस नहीं होता सर, क्योंकि मुझे बहुत फॉर्चुनेट लगता है कि जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना मान सम्मान देते हैं। काफी लोगों को विदेशों में जब मैं जाती हूँ, प्रस्तुतिकरण करती हूँ, या मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत सारे कामों में, फोर्ब्स मिडिल ईस्ट में भी मेरा नाम आया है, एंड यू विल नॉट बिलीव दैट कि उन्हें पता भी नहीं है कि मेरे पिताजी इंडिया में क्या हैं। तो ऐसे में और जो है वो गर्व की अनुभूति होती है कि जहां हम पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाते हैं वहीं इंडिया आकर भी हमको बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि किसी भी व्यक्ति को विरासत में भले कोई पद हासिल हो जाए लेकिन उस पद को बरकरार रखना और उससे और ऊपर के पैमाने को प्राप्त करना, लक्ष्य को हासिल करना, वो अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। आरुषि जी, आपका राजनीति क्षेत्र में रुझान कैसे हुआ? क्या सिर्फ इसी परिवार के होने की वजह से या कोई और कारण था? क्योंकि आपने बहुत कम समय में इस राज्य का एक परिचित चेहरा बन गई हैं, लगातार उनके विधानसभा चुनाव के समय भी हम लोग देखते थे कि आप वहाँ उनका प्रचार बहुत अच्छे से ऑपरेट करती थी, लोकसभा चुनाव में भी आप बहुत सक्रियता से भाग लेती रही हैं, तो इधर आना कब हुआ और कोई विशेष अनुभव किस तरह से, आपको क्या लगता है? जैसे कि यह एक मान्यता है कि जो भारतीय राजनीति है अभी भी महिला वुमेन ओरिएंटेड नहीं है, महिलाओं के लिए बहुत आसान नहीं है, तो क्या लगता है आपको किस तरह से आपका इस क्षेत्र में आना हुआ और अब क्या महसूस करती हैं? मैं राजनीति में हूँ, पसंद करती हूँ, मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में लोगों के लिए राजनीति का मतलब क्या है, और मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल में हाउ शुड आई डिफाइन राजनीति। बट ये जरूर कहना चाहूंगी कि राजनीति को हमने एक बहुत बड़ा एक एंगल दे दिया है। कभी अगर हमको कोई काम नहीं हो रहा होता है, गंगा की सफाई नहीं हो रही होती है, बिजली नहीं आ रही होती, तो हम हर चीज का ठीकरा जो है वो राजनीतिज्ञों पर, राजनीतिक पार्टियों पर, सरकार पर थोप दिया करते हैं। मैं ये बातें नहीं समझ पाती हूँ। मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर सोसाइटी ने हमें इतना कुछ देकर इतना बड़ा बनाया है, या भगवान ने हमको किसी एक कद पर पहुंचाया है, उस कद पे आने के बाद अगर मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पाऊं तो ये मेरे पे लानत होगी।
और शायद इसी मुद्दे को लेकर काफी बार औरतों से मिलना होता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम उत्तराखंड की महिलाओं को और जागरूक कर सके, क्योंकि इस महिला शक्ति में बहुत क्षमताएं हैं। हमारी कोशिश रहती है कि युवाओं के बीच में जाए, क्योंकि ये जो हमारा युवा है वो हनुमान है और उसे खुद नहीं पता कि वो पूरा जो है वो समुद्र पार करके और लंका को जलाकर और सीता माँ को भी वापस ला सकता है। ये वो हनुमान है जिसे एक वेकअप कॉल देने की जरूरत है, और इसीलिए मेरा जो है वो युवाओं से संवाद ज्यादा रहता है। हम महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। और जी हाँ, मैं बहुत समय से पिताजी के क्षेत्र में जाती रही। मुझे याद है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं उनके चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड के बहुत क्षेत्रों में पैदल चली हूँ। हजारों लाखों किलोमीटर हम पैदल हम लोगों ने यात्रा भी करी है और लोगों से बात भी करी है। बाकी कोशिश ये रहती है कि अगर हमारे लेवल पर लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो सके या उनकी बातों को आगे पहुंचाया जा सके तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। आरुषि जी, जब मैं बात कर रहा हूँ महिला सशक्तिकरण की, तो दो घटनाएं मेरे ध्यान में आ रही है। एक तो अभी लोकसभा में हुआ, रामपुर के एक सत्ता के सांसद मोहम्मद आजम खान ने महिला स्पीकर पे कमेंट किया और आज उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी, और पूरे देश की जो महिला सांसद है उन्होंने बहुत मुखरता से उनका विरोध किया। दूसरा एक हमारे उत्तराखंड की घटना है कि एक आंकड़ा आया कि उत्तरकाशी में पिछले कुछ महीनों में कोई बेटी नहीं पैदा हुई, जबकि हमारे राज्य की पहचान ही मातृत्व प्रधान प्रदेश के तौर पर है, क्योंकि मातृशक्ति वाला राज्य उत्तराखंड कहा जाता है। तो इन दोनों घटनाओं में आप महिला सशक्तिकरण को किस रूप में देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगी। जो उत्तराखंड है हमारा, ये ऐसा प्रांत है जो मुझे कहते हुए इतना गर्व होता है देश और विदेश में, जिसने महिला सशक्तिकरण का पहला उदाहरण पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया और गौरा देवी जैसी औरतों ने पूरे विश्व को चिपको आंदोलन दिया, जिसको हम ट्री हगिंग के नाम से जानते हैं। तो ये मेरी वही सशक्त उत्तराखंड की महिला है जिसने पेड़ों को अपना बच्चा समझकर उनको हग करके उनसे चिपक कर पूरी दुनिया को इतना बड़ा एक आंदोलन दे दिया। और रही बात महिला सशक्तिकरण की, तो सर ऐसा है कि हमारे वेदों से अगर मैं वैदिक सभ्यता की तरफ जाऊं तो कहा जाता था यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब हम आगे बढ़े पर्शियन काल में आए, जब मुगल काल में आए, तो औरत को पैर की जूती भी कहा जाने लगा। और ग्रेजुअली इसी तरीके से समाज की कुछ कुरूतियों ने इस महिला सशक्तिकरण को या महिला के रोल को आगे बढ़ाते हुए बड़े कई बार गलत तरीके से, कई बार सही तरीके से आगे धकेल दिया। मैं बचपन से एक बात सुनती आई हूं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। व्हेन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन सोसाइटी बिजनेस एंड नाउ इवन अ कंट्री, अगर उसके पीछे महिला है तो ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि आप उसे एम्पावर करेंगे। तो क्या आप मानती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, हम उस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा ये कहना है कि हमें महिला को सशक्त करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी सशक्त है, क्योंकि वो शक्ति है। उसने इस प्रकृति की संरचना की है, जिसने इस प्रकृति की संरचना की है आप उसको सशक्त करेंगे? वो महिला जिसने शक्ति का निर्माण किया और जब गलत तत्व आ गए तो काली बन के उनका विनाश भी कर दिया। भूलिए मत, जहां वो माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती है, वहां वो माँ काली भी है। लेकिन उस महिला को ये याद नहीं है कि उसमें कितनी शक्ति है। महिला सशक्तिकरण हर महिला की तरफ से अलग हो सकता है। हो सकता है हरियाणा में बैठी हुई एक महिला के लिए महिला सशक्तिकरण मात्र इतना हो कि उसे पढ़ने की सुविधा दी जाए। हो सकता है मेरे मराठ में बैठी एक औरत के लिए उसका पल्लू उस सिर से ऊपर उठाकर अपनी इच्छा के कपड़े पहन के निकल सके, उसके लिए महिला सशक्तिकरण। मेरे उत्तराखंड की महिला के लिए वो सशक्तिकरण हो सकता है जिस दिन वो अपने घर की रोजी रोटी खुद कमाने लगे, खुद लाने लगे, जो कि हमारे 80% औरतें करती भी हैं। हर व्यक्ति के लिए, हर औरत के लिए महिला सशक्तिकरण के मायने अपने अलग अलग है। लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो आर्थिक रूप से अपने आप पे इंडिपेंडेंट हो और उनका डिसीजन मेकिंग में कोई ना कोई राइट हो। आपने अभी हमारे देश की बात करी थी, मुझे ये बात बताते हुए बोलते हुए बड़ा गर्व होता है कि हमारी इंडिया की पहली वो पार्लियामेंट थी, पिछले सेशन का मैं बात करूंगी, जिसमें सबसे अधिक वुमेन पार्लियामेंटेरियन देखने को मिली। हमारी निर्मला सीतारमन जी, जिन्होंने बताइए देश की सेना सुरक्षा सबका अपने हाथ में जिम्मा लिया। सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने पूरे देश विदेश में जो है वो भारत का नाम इतना आगे किया। उमा भारती जी, जिन्होंने गंगा और पानी को लेकर इतना काम किया। और ऐसे ही हमारी इतनी मेनका गांधी जी, जिन्होंने पशु को लेकर, महिला को लेकर इतना काम किया।
तो ऐसे में भारत एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है महिला सशक्तिकरण के लिए, लेकिन जरूरी है कि दूसरों को और महिलाओं को और एजुकेट किया जा सके। ठीक कह रही हैं, आपने जितने नाम लिए ये सारे महिला सशक्तिकरण के बेहद समृद्ध और मजबूत प्रतीक हैं, लेकिन आरुषि जी 35% आरक्षण संसद में होना चाहिए, इस लक्ष्य से आज भी हम बहुत दूर हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि इसके लिए हमारे देश की जो राजनीति है, जो कह सकते पुरुष ओरिएंटेड है, उसको और उदार होना चाहिए और कम से कम इस लक्ष्य को हासिल करने में और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, और विशेषकर मोदी जी जिनको मॉडर्न इंडिया का एक तरह से संस्थापक कह सकते हैं, क्या आपको लगता है कि उनके रिजीम में उस 35% महिला आरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? आई बैक टू डिफर व्हाट यू सेइंग फॉर रिजर्वेशन, क्योंकि जब हम इस बात के लिए लड़ते हैं कि हम इक्वल हैं, यूएन भी और सारे लोग आज बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की, तो जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये आरक्षण की बात नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। लेकिन हाँ, अगर महिला को सशक्त करने के लिए इसकी जरूरत भी पड़ती है तो वो भी होना चाहिए। आपने बात करी आदरणीय मोदी जी की, और ये बात मैं बहुत दमखम से बोलना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण के लिए इससे पहले कभी इतने बढ़िया कदमों को नहीं उठाया गया। आप कोई भी योजना उठा के देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, मैं उससे पर्सनली जुड़ी रही और मैंने देश विदेश में इसके लिए बहुत सारा काम भी किया। आप बात करें उज्ज्वला योजना की, आप बात करें जनधन योजना की, कन्यादान योजना से कितनी हजारों लाखों योजनाएं भारत को दी गई, और पहली बार जो ड्रॉप आउट रेट है, जो स्कूल में ड्रॉप आउट रेट होता था लड़कियों का और जो कन्या भ्रूण हत्या का रेट होता था, तो उन दोनों में जो है वो बहुत अंतर आया है, बहुत अंतर आया। आप अगर इंटरनेट पर आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एक शुरुआत अच्छे भारत की हो चुकी है जहां महिला को और सशक्त किया जा रहा है, बस जरूरत है कि हम सब उसी अवेयरनेस पे और जुटे रहें और काम होता रहे। अर्शु जी, आप गंगा सफाई को लेकर के बेहद गंभीर रहती हैं और स्पर्श गंगा अभियान की आप प्रमोटर भी हैं, तो किस तरह से क्या लगता है कि आप जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही हैं उसमें कितना सफल रही हैं, और वह लक्ष्य कब तक प्राप्त किया जा सकता है, कब ऐसा दिन आएगा कि गंगा जो है जितनी आस्था का प्रतीक है उतनी साफ भी होगी? ये तो सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि गंगा की बात आपने हमने उठाई है, तो सबसे पहले सिर्फ नमामि गंगे या स्पर्श गंगा या 4 NGO की इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। इस बात की चिंता हर उस व्यक्ति को होनी चाहिए जो स्टेट में बैठा है। उसका रीजन ये है कि हम सबकी, आपकी, हमारी, उन सब लोगों की पहचान एक बात पर जुड़ी हुई है, क्योंकि हम कहते हुए बड़े हुए हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और ऐसी स्थिति में अगर हम गंगा को, जो लगातार दूषित होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है, उसकी चिंता ना करें, तो मुझे लगता है कि ये इसके साथ जो है वो जस्टिस नहीं होगा। इसीलिए जो है वो स्पर्श गंगा ने 2008 से ये मुहिम छेड़ी, पिताजी की प्रेरणा से स्पर्श गंगा शुरुआत की गई थी, और आज पूरी दुनिया से 3.5-4 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। 5 देशों में हमारे अपने ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। 2.5 लाख लोगों को हम लोग गंगा प्रहरी बनाते हैं, इसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आदरणीय गडकरी जी हमको सम्मानित करते हैं। मेरी टीमें हर जगह, आप बात करें ऋषिकेश की, आप बात करें हरिद्वार की, आप बात करें बनारस की, आप बात करें इवन जयपुर की, दिल्ली की, बनारस की, पटना की, कलकत्ता की, सब जगह जाके मेरी टीमें संडे को उसकी सफाई करती है। तो ये अगर मोटिवेशन नॉर्मल व्यक्ति में है तो इसको और स्प्रेड करना चाहिए। और रही बात इसकी सफाई की, तो मैं बोलना चाहूंगी, हम सब ने सुना है कि रोम कुडंट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम नहीं बन पाया था। और जब भागीरथ को इतना समय लगा गंगा को धरा पर लाने के लिए, इतनी तपस्या करनी पड़ी, तो आज हम सभी को भागीरथ बनना पड़ेगा, तभी गंगा साफ हो पाएगी। अर्शु जी, आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहती हैं, एक कॉलेज का संचालन भी करती हैं। आपके पिताजी इस देश की शिक्षा व्यवस्था के इस समय एक बड़े जिम्मेदारी भरे पद पे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी, जिनकी शिक्षा नीतियां जो है। तो एक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ता के तौर पे, एक व्यक्तित्व के तौर पे, अपने पिताजी से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह का बदलाव आप उनके मंत्रालय में और उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी में देखना चाहेंगी? मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। सिर्फ इसलिए बात नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे पिता हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से देखा है। वो औसतन 4 घंटे सोते हैं
और उनके इतने जो लेखन कार्य उन्होंने किया है, राजनीति में रहते हुए किया है, वो कोई भी बहुत बड़े मेडल से कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में संवेदनाओं को जिंदा रखना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। और ऐसे में जो व्यक्ति खड़ा है और जो व्यक्ति आज जो है वो पूरे देश के सामने खड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पिताजी ने ये राज्य भी संभाला है और इस राज्य को ऐसे विजन भी दिए हैं। यहाँ की जीडीपी उस समय में क्या हुआ करती थी और टूरिज्म किस तरीके से बढ़ा था, गंगा को किस तरीके से जो है वो विश्व में सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और उनका नाम तो पीस के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट हुआ है। ऐसे व्यक्तित्व को अगर भारत का एचआरडी मंत्री, शिक्षा मंत्री बनाया जाता तो मुझे लगता है ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने भी यही बात देखी होगी कि किस तरीके से आदरणीय निशंक जी जो है वो पूरे भारत की संस्कृति सभ्यता को शिक्षा में पिरोकर सबके सामने ला सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई ऐसा मैसेज अपने पिताजी को दें जो आप चाहती हो कि देश का भविष्य आगे चल करके आपकी पॉलिसी से ही उसका भविष्य तय होगा, तो कोई ऐसा मैसेज अगर आप देना चाहते हैं। नहीं, मैं घर पिताजी को यहाँ चैनल से क्या मैसेज दूंगी, लेकिन मैं लोगों को जरूर देना चाहूंगी, लोगों को ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी। हर बार हम लोग जब किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा सरकार की तरफ देखने लगते हैं या राजनीतिक मुद्दों की तरफ देखने लगते हैं, तो मेरा उन लोगों को ये कहना है कि जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे, हम खुद कुछ इश्यूज के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, हमने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। जब स्पर्श गंगा शुरू हुआ था तो स्पर्श गंगा अपने दम पर खड़ा हुआ गंगा की सफाई के लेके, और आज भी हर संडे भले ही कितना कूड़ा मिल जाए, मेरी टीम हर संडे जाके उसे साफ जरूर करती है, उसका जज्बा नहीं टूटता। तो ऐसे मैं कहना चाहूंगी, सभी को कहना चाहूंगी कि राजनीतिक मुद्दों की तरफ कम देखें, क्योंकि घर में बैठकर कमेंट करना, मैसेज करना, ट्वीट करना बहुत आसान होता है, लेकिन सच में बाहर निकलकर गंगा में खड़े होकर, पानी में खड़े होकर, कूड़े में खड़े होकर साफ करना उसको और चीजों को बदलना। कूड़ा मतलब सिर्फ कूड़ा नहीं, बहुत सारे चीजों के संदर्भों को लिए हुए है वो कूड़ा। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति, कोई संस्था कुछ काम करती है तो मुझे लगता है उसको सहयोग करना चाहिए और व्यक्ति को लगना चाहिए कि हमें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अपना सहयोग, कंट्रीब्यूशन जरूर देना है। आरुषि जी, पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप एक कथक नृत्यांगना के तौर पर भी अपनी पहचान रखती हैं। इन तमाम क्षेत्रों में बहुत ही व्यस्त रहने के बाद भी अपने इस शौक को आपने पूरा न किया, बल्कि उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी दिलाई। आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कई बार आप परफॉर्म कर चुकी हैं, तो किस तरह से ये जो शौक है इसको किस तरह से आपने जिंदा रखा और इस स्थिति में ले आई कि पूरी दुनिया उसको स्वीकार करे, मान्यता दे। मैं 15 से अधिक देशों में प्रस्तुतिकरण दे चुकी हूँ और ICCR और दूरदर्शन की मैं ग्रेडेड आर्टिस्ट भी हूँ। मेरी कोशिश हमेशा से ये रही कि क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को लेकर पूरी दुनिया में इतना एक्साइटमेंट है कि जब मैं विदेशों में जाती हूँ वर्कशॉप के लिए, लोग दो दो घंटा बैठाकर हमसे सिर्फ ये पूछते हैं, इंडियंस क्या खाते हैं, ये साड़ी कैसे पहनी जाती है, आप कथक कैसे कर लेती हैं, आपके घर में कैसे पूजा पाठ होती है। तो ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं, योगा को लेकर क्वेश्चंस होते हैं, इंडियंस के बाल को, आपके बाल इतने अच्छे कैसे, इंडियंस के बाल इतने अच्छे कैसे होते हैं, आपकी स्किन अच्छी कैसे होती है, इस तरीके के जो सवाल हैं, जब मैं उनको सुनती थी और कैटर करती थी तो मुझे लगा कि मेरी भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत ऊपर है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि किसी भी चीज में जो है नवाचार होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए और उसको कुछ एक नया स्वरूप मिलना चाहिए परंपरागत चीजों से हट करके, तो आप उसमें काफी सफल रही हैं। आपने कथक को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी काफी लोकप्रिय बनाया है। आरुषि जी, आप फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सक्रिय रही, आपने एक फिल्म का निर्माण भी किया मेजर निराला के नाम से, लेकिन उसके बाद फिर कोई और फिल्म आपकी आई नहीं, तो क्या किस तरह से आपका फिल्म निर्माण की जो योजना थी, एक फिल्म बनाने के बाद ही वो समाप्त हो गई कि अभी और भविष्य में चल के आप उस पर काम करने वाले? अच्छा सवाल पूछा, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मेजर निराला की अपार सफलता के बाद पहली बार उत्तराखंडी मूवी ने जो है, जिसमें कैलाश खेर जी ने अपने स्वर को दिया, हिमानी शिवपुरी जी, हेमंत पांडे जी, हमारे जो बॉलीवुड के चेहरे हैं वो इसमें दिखाई दिए, और विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमने ये प्रोजेक्ट किया जिसमें बहुत ही सुंदर गानों को नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी गाया, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मिक्सचर ऑफ बॉलीवुड की टेक्निक और अपने उत्तराखंड का जो रस है उसको मिला के हमने ये बनाया, और विदेशों में भी ये काफी प्रचलित हुई।
इसके बाद अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर आ रहे हैं, जो कि एक बॉलीवुड मूवी का प्रोजेक्ट है। नाम मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे ऑफिशियली बैठना पड़ेगा, पर जरूर बता सकती हूँ कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का सब्जेक्ट है और बॉलीवुड के बहुत अच्छे और बड़े चेहरों को आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हम गंगा को लेकर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तरह तरह के पिताजी के साहित्य पे भी बहुत सारा काम चल रहा है क्योंकि उनका साहित्य ऐसा है कि बड़े बड़े मूवी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर भी उनसे लेकर गए हैं, तो इन सारे कामों पर चीजों पर हम अपना काम बनाए हुए हैं। तो इन सफलताओं का अगर श्रेय देना हो चंद शब्दों में तो किसे देना चाहेंगे? मुश्किल बहुत होता है और मदर के जाने के बाद में बहुत चीजें बदली क्योंकि आपका जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है और एक बैलेंसिंग सिस्टम होता है वो घर से ही होता है, और वो काफी हिल जाने के बाद में काफी चीजों में तकलीफ हुई, लेकिन सर्टेनली मैं अपने परिवार को और अपने पति को, क्योंकि उन्होंने मेरे जिंदगी में बहुत बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश करी है, और परमात्मा को मैं इस बात का पूरा पूरा आभार देना चाहूंगी कि किस तरीके से उन्होंने हमको जो मुश्किल समय था उसमें भी खड़े रहने की शक्ति दी और अच्छे समय में भी टिके रहने की और जमीन पर रहने की जो शक्ति दी, क्योंकि ये बड़ा आसान होता है जब अच्छा समय आता है तो आदमी उड़ने लगता है और बुरा समय आता है तो लेट जाता है, तो ऐसे में परमात्मा ने सब चीज की हमको शक्ति और सद्बुद्धि दी। तो मैं काफी धन्यवाद अपने परिवार को और पति को इसका श्रेय जरूर देना चाहूंगा। आरुषि जी, बस बिल्कुल अंतिम सवाल है कि भविष्य में आरुषि जी एक राजनेता के तौर पे, फिल्म निर्माता के तौर पे या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे किस रूप में अपने आप को समाज में स्थापित करने वाली हैं? मुझे भी नहीं पता, भगवान जो फेंकता है हम उसको करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट ये जरूर बोलना चाहूंगी कि ये जो सारे एस्पेक्ट्स को लेकर हम काम कर रहे हैं उद्देश्य सिर्फ यही है कि किस तरीके से भारत की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाया जा सके और लोगों के लिए अगर हम थोड़े से काम आ सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और गंगा को लेकर अब आपको जान के खुशी होगी कि स्पर्श गंगा यमुना प्रोजेक्ट भी हमारा शुरू हो गया है, उसमें हमने मनोज तिवारी जी को भी इंक्लूड किया है और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी अब यमुना सफाई के लिए भी हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, गोमती के लिए भी करेंगे और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि लोगों का प्यार और सहयोग हमको ऐसे ही मिलता रहेगा। आप हमारे शो में आई, अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने अनुभव शेयर किए, भविष्य की योजनाओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड की बहुआयामी प्रतिभा की धनी और महिला सशक्तिकरण की एक प्रमुख चेहरों में शुमार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बड़ी पुत्री डॉक्टर आरुषि पोखरियाल निशंक, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने जीवन के बारे में, अपने सामाजिक कार्यों के बारे में और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में हमारे दर्शकों से बातचीत की और बताया कि किस तरह से राजनीतिक परिवार से होने के बाद भी उन्हें इस समाज में अपने आप को साबित करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने ये संदेश भी दिया कि भले आपको विरासत में कोई बड़ी चीज मिली हो, लेकिन अगर आपको खुद का व्यक्तित्व निर्माण करना है, खुद की पहचान गढ़नी है, बनानी है, तो मेहनत से कभी भी समझौता नहीं करना पड़ेगा। अगले सप्ताह मिलेंगे ऐसे ही अन्य किसी शख्सियत के साथ।